बांग्लादेश का रुख करते हैं, जहां पर हिंदू अचानक भड़के दंगे के शिकार नहीं हुए बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। न्यूज डेस्क पर आपके सामने वो वीडियो आएगा जो बताएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हुआ वो उन्माद नहीं बल्कि जिहादी जहर था। कैसे हुसैन का इस्तेमाल कर हिंदुओं को टारगेट किया गया, कैसे कुरान पाक की आड़ में अल्पसंख्यकों के लिए नफरत फैलाई गई, बड़ा सबूत देखिए हमारी इस स्टोरी में। लोगों की मौत, सैकड़ों घायल, चप्पे चप्पे पर बंदूकधारी और अंदर तक डरे हुए हिंदू। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर अचानक कुरान के अपमान की अफवाह फैली और जहर बुझे नारे लगाते हुए स्थानीय मुस्लिमों की भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडाल समेत हिंदू आबादी पर हमले शुरू कर दिए। 48 घंटों तक बांग्लादेश के कुमिला से लेकर चांदपुर और हाजीपुर में कट्टरपंथियों की तकरीरें चलती रही और उन्मादी भीड़ हिंसा का नंगा नाच करती रही। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर कुरान पाक के अपमान की ये कहानी पैदा कहां से हुई। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ रची गई साजिश का वीडियो सामने आएगा और ये वीडियो खुद ब खुद बताएगा क्या था हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सच। 55 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में आपको जो शख्स नजर आ रहा है उसका नाम है इकबाल हुसैन और जिस इमारत के सामने वो खड़ा है ये है कुमिला का वही दुर्गा पूजा पंडाल जहां कुरान पाक के अपमान की खबरें उड़ाई गई थी। वीडियो के शुरुआती हिस्से में हुसैन के हाथ में एक हथौड़े जैसी चीज नजर आती है और जब वो बाहर निकलता है तो हथौड़ा गायब होता है और उसके हाथ में एक पत्थर नजर आता है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुसैन के पंडाल में घुसने से पहले माँ दुर्गा और बजरंग बली की मूर्तियाँ ही थी, लेकिन जब हुसैन निकल जाता है तो उस वक्त की तस्वीर में मूर्तियों के पास कुरान पाक भी नजर आती है और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि इकबाल हुसैन ने जानबूझकर कुरान पाक को इस तरह रखा ताकि मजहबी उन्माद फैले और हिंदुओं को निशाना बनाने का बहाना मिले। सिर्फ बांग्लादेशी मीडिया ही नहीं बल्कि कुमिला पुलिस ने भी पुष्टि कर दी है कि इकबाल हुसैन ही एक जगह से कुरान पाक को चुरा कर लाया था और फिर पाक किताब को दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में रख दिया गया। इकबाल हुसैन की यह घटिया करतूत साफ बताती है कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेशी हिंदुओं की गलती नहीं बल्कि हिंदुओं के दुश्मनों की साजिश थी। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। क्या इकबाल हुसैन ने इस घटिया करतूत को अकेले ही अंजाम दिया या इकबाल हुसैन किसी बड़े कट्टरपंथी गुट का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदुओं के खिलाफ ऐसी साजिश का मकसद बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिटाना है? हर सवाल का जवाब भी जरूर मिलेगा। खुद शेख हसीना सरकार ने सख्त जाँच के आदेश दे दिए हैं और उससे भी बड़ी बात ये कि दुनिया भर में हो रहे प्रदर्शन और बयानों की वजह से शेख हसीना सरकार पर भी सच सामने लाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।